विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो देखो, है ना। तो प्रश्न एक है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग हमने पढ़ा 6.1 में, क्या होता है कि किसी संख्या को जब हम उसी से गुणा करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। किसी संख्या को जब हम उसी से गुणा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे एक है, मेरे कोई भी संख्या एक है, तो एक का वर्ग अगर मुझे ज्ञात करना है तो कैसे करूँगा, एक को एक से गुणा करके। और इसको गणित में कैसे लिखते हैं, इसको गणित में लिखते हैं 1 की घात 2, यानी एक का वर्ग अगर मुझे गणित में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 1 की घात 2 करके लिखूंगा। और 1 की घात 2 का मतलब 1 का गुणा 1 से, और 1 का गुणा 1 से करने पर कितना आता है, 1 आता है, है ना। इसी प्रकार 2 का वर्ग हिंदी में क्या होगा, 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या, 2 का 2 से गुणा, 2 दुनी 4, है ना। तो 1 से 10 तक मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 में कराए थे, और आपको कहाँ तक याद होने चाहिए, आपको 25 तक याद होने चाहिए, है ना। कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से लगाकर 25 तक पूरा याद होना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई पूछे 25 का वर्ग बताओ तो आपको सीधा याद होना चाहिए 25 × 25, 625, सीधा याद होना चाहिए 1 से 25 तक, ठीक है। तो अब इन संख्याओं के हमें वर्ग करने हैं। जैसे 32 का वर्ग करना है तो 32 का वर्ग, है ना, ऐसे हम लिखेंगे 32 का जो वर्ग है वो होता है 32 की घात 2, और 32 की घात 2 मतलब 32 × 32 गुणा करेंगे इसका, गुणा करने पर क्या आएगा, आपको करने हैं सारे गुण, है ना, 2 × 4, 2 × 3 = 6, फिर गुणा करेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 4, 6 × 6 = 12, हसल का 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो इसका गुणा करने पर कितना आया, 1024, यानी कि जो 32 का वर्ग होगा वो कितना होगा, 1024, 32 का वर्ग कितना होगा, 1024, है ना, ये आपको रफ में करना है। अच्छा, 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग यानी कि हम क्या करेंगे, 35 की घात 2, ये आपने हिंदी में लिखा और ये कैसे लिखा, गणित में। और 35 का वर्ग यानी क्या मतलब, 35 × 35, तो हम 35 और 35 का गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, देखो 5 का पहाड़ा 5 बार 25, हासिल के 2, 5 × 3 = 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17, फिर यहाँ क्रॉस, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 3 × 5 = 15, हासिल का 1, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, जोड़ेंगे इनको 5, 7, 5, 12, हासिल का 1, ये हो गया 2 और ये 1, तो इसका वर्ग कितना आया, 1225, तो 35 × 35 कितना होता है, 1225। इसी प्रकार 86 का वर्ग, तो देखो 86 का वर्ग यानी कि 86 की घात कितनी 2, इसका मतलब क्या, 86 का गुणा 86 से करेंगे इसका गुणा, तो 86 का गुणा 86 से करेंगे, तो 6 × 6 = 36, हासिल के 3, 8 × 6 = 48, 48 और 3 = 51, फिर यहाँ क्रॉस, 8 × 6 = 48, 48 का 8, हासिल के 4, 8 × 8 = 64, और 4 कितना हो जाएगा, 68, जोड़ेंगे इनको तो 6, 8 और 1 = 9, 8 और 5 = 13, हासिल का 1, 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो 86 का वर्ग कितना आया, 7396। अब है 93 का वर्ग, तो 93 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 93 की घात 2, इसका मतलब होता है 93 का गुणा 93 से गुणा करेंगे इसका, तो क्या आता है, देखो ये सब आपको रफ कॉपी में करने हैं गुणे, है ना, 93 का गुणा 93 से करेंगे, तो 3 × 3 = 9, फिर 9 × 3 = 27, फिर यहाँ क्रॉस, 9 × 3 = 27 का 7, हासिल के 2, 9 × 9 = 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा, 83, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, 7 और 7 = 14, हासिल का 1, 3 और 3 = 6 और ये 8, तो इसका हो गया 8649। इसी प्रकार 71 का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग, तो इसको गणित में कैसे लिखना, 71 की घात 2
यानी कि 71 का गुणा 71 से करते हैं इसका भी गुणा, तो एक का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, एक का पहाड़ा सात बार बोलेंगे, फिर सात एकम सात और ये सातों साती 49, ये हो गया एक सात और सात 14 हासिल का, एक नौ और एक 10 हासिल का, एक ही कितना हो गया 5, तो इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा 5041। आप गुणा करना आराम से, आपके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। फिर अंतिम है 46 का वर्ग, तो इसका मतलब 46 की घात 2 और इसका मतलब क्या होता है 46 का गुणा 46, तो 46 का गुणा हम 46 से करेंगे, 6 छंग 36 हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, फिर गुणा 4 छंग 6 चौक 24 हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18 जोड़ेंगे इनको तो 6 7 और 4 11 हासिल का 1, 8 और 3 11 हासिल का 1, तो ये हो गया 2, ये आएगा 2116। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वर्ग करना है। समझ में आया वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी से गुणा हम उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग को लिखने का तरीका क्या है, उसके ऊपर घात लगाओ, संख्या के ऊपर घात 2 लगाओ, है ना, ये वर्ग का मतलब होता है। प्रश्न संख्या 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, हमें यहाँ पर एक एक सदस्य दिए हुए हैं, पाइथागोरस त्रिक, त्रिक यानी 3, हमें 2 सदस्य और ज्ञात करने हैं, यानी एक सदस्य हमें दिया हुआ है और 2 सदस्य हमें और ज्ञात करने हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, है ना। तो आपने देखो त्रिभुज के बारे में पढ़ा है कक्षा 6 में, है ना, कक्षा 6 में हमने पढ़ा है एक समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण मतलब जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, उसमें से अगर एक कोण, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है, इसकी जो 3 भुजाएं होती हैं उनके नाम होते हैं, जैसे 90 डिग्री के सामने वाली जो ये सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर मान लो अगर ये आपका कोई कोण है तो ये भुजा आपका क्या होती है, आधार होती है, क्या होती है, आधार, और इस भुजा को हम कहते हैं लंब, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये जो तीनों भुजाएं हैं इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। देखो ध्यान से समझ, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप आगे गणित को नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है, देखो ये सबसे बड़ी भुजा इन दोनों में से, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसकी विशेषता क्या होती है, एक सूत्र आप आगे जाके पढ़ोगे कक्षा 9 में, एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस सूत्र। इसमें क्या होता है कि जब मैं कर्ण का वर्ग करता हूँ, किसका वर्ग करता हूँ, कर्ण का वर्ग करता हूँ, और लंब का भी वर्ग करता हूँ, किसका, लंब का भी वर्ग करता हूँ, वर्ग आपको पता है उसका उसी से गुणा, ध्यान देना थोड़ा इसको। जैसे सूत्र मेरे पास है, सूत्र क्या है कि जैसे अगर मैं कर्ण का क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, कर्ण का क्या करता हूँ, घात 2 करता हूँ, फिर उसके बाद लंब का भी मैं क्या करता हूँ, घात 2 करता हूँ, ये लंब है, फिर आधार का भी क्या करता हूँ, घात 2 करता हूँ, और इनको जब मैं जोड़ता हूँ, किसको, लंब की घात 2 और आधार की घात 2, यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो इन दोनों की जो जोड़ है वो कर्ण के वर्ग के बराबर आती है, कर्ण के वर्ग के बराबर आती है, जैसे इसको समझना, है ना। ये मेरा क्या हो गया, सूत्र हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। अब कर्ण मान लो मेरे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, फिर ये भुजा मेरे पास 3 सेंटीमीटर की है और ये वाली जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की, कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब देखो कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण है 5, उसकी घात कितनी लगानी है, 2 लगानी है, यह सूत्र मेरे पास, घात 2 है, कर्ण कितना है 5 और उसकी घात 2 लगा दी, फिर लंब की घात 2 और आधार की घात 2 लगा दो। अच्छा लंब कितना है, लंब मेरे पास है 3 और आधार कितना है 4, है ना। फिर 5 की घात 2, 5 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, है ना। फिर 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3, 3 का वर्ग, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 कितना होगा, 9 होगा, फिर प्लस
चार का वर्ग यानी चार गुना चार कितना होता है 16, ठीक है। अब ये कितना है 25। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों की जोड़ क्या आएगी 25 आएगी, तो इधर भी 25 आया इधर भी 25 आया, तो हुआ ना हमारा सूत्र सही। यानी जो बड़ी भुजा होती है जिसको हम कर्ण कहते हैं उसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है, इसी को हम पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये समझना है कि अगर मेरे पास एक भुजा दी हुई है तो मैं दो भुजाएं कैसे निकालूंगा, यानी एक त्रिक दिया हुआ है मुझे दो त्रिक निकालने हैं, कैसे निकालेंगे देखो। इसके लिए आपको कुछ सूत्रों का प्रयोग करना होगा। मैंने आपको ये समझाया कि पाइथागोरस क्या होता है ना, जिसमें तीन भुजाएं होती है। अब मेरे पास एक तो दी हुई है, मुझे दो और निकालनी है, तो इसके लिए आपको तीन फॉर्मूले समझने। एक तो होता है 2m, एक तो फॉर्मूला मेरे पास होगा 2m का, एक मेरे पास फॉर्मूला होगा m की घात 2 माइनस 1 और एक होगा m की घात 2 प्लस 1। तो ये तीन फॉर्मूले आपको समझने होंगे। अब कैसे करना है इसको समझना देखो। जैसे मेरे पास में एक संख्या है 6, ये पहला प्रश्न ले रहा हूँ, मेरे पास संख्या कितनी है 6, उसको आप क्या करो, उसको आप इस 2m के बराबर रखो। किसके बराबर रखो, 2m के बराबर। तो मेरे पास जो एक संख्या है उसको मैं किसके बराबर रखूंगा कि माना 2m बराबर कितना 6, इस 6 को मुझे किसके बराबर रखना, इस 2m के बराबर रखना है। अब मेरे पास ये बन गया समीकरण, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, m निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने समीकरण पढ़ाया आपको है ना बड़े अच्छे से, प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 4 है शायद या कोई भी है, दूसरी प्रश्नावली में मैंने आपको बताया कि समीकरण में जब ये गुणे में हो, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणे में है, तो ये जब गुणे में है तो बराबर के इस तरफ किस में आएगा, भाग में। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा है ना, तो ये बट्टे में आएगा। तो m बराबर ये 6, ये दो अपनी जगह पर है, ये दो इधर आएगा किस में, बट्टे में, यानी बट्टा 2 आ जाएगा। अब इनमें देखो दोनों में 2 का पहाड़ है, 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, 3 बट्टा 1 का मतलब कितना होता है 3, यानी m मेरा यहाँ पर कितना आ गया, m मेरा यहाँ पर आ गया 3, एक काम आपका हो गया। यानी m आपने निकाल दिया। अब जब m आपने निकाल दिया तो दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है, दूसरा आपका फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1 और एक फॉर्मूला है m स्क्वायर प्लस 1, यानी m की घात 2 माइनस 1, m की घात 2 प्लस 1 है ना, ये मेरे पास फॉर्मूले। अब देखो मेरे पास m आ गया है, जब m आ गया है तो इसमें m का मान रख दो, यानी m की जगह बनाओ कोष्टक माइनस 1, यहाँ भी m की जगह कोष्टक ऊपर घात 2 प्लस 1, ठीक है। अब m कितना निकाला 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब 3 की घात 2, तो 3 तक आप 25 तक आपको जो वर्ग याद करना है ना, तो आप बताओ 3 का वर्ग कितना होगा। मान लो याद नहीं है तो क्या करना, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, तो कितना हुआ 3 त्रिया 9, यानी इसका मतलब होता है 9, फिर ये माइनस और ये 1, तो 9 में से 1 गया 8, फिर इसका 3 की घात 2 मतलब कितना 9, फिर यहाँ प्लस और 1, 9 प्लस 1 यानी 9 में 1 जोड़ो कितना हुआ 10। तो मेरे पास वो तीनों संख्या आ गई। कैसे आ गई, एक संख्या तो हमें दी हुई है ना, पाइथागोरस जो त्रिक है उसमें मेरे पास एक संख्या तो पहले से दी हुई थी 6, एक तो दी हुई थी 6 जिसको हमने क्या करा 2m के बराबर माना है ना, ऐसा करके हमने m का मान लाया और इस m का मान इन दोनों सूत्रों में हमने डाला, तो दूसरा त्रिक हमें क्या मिला 8 और तीसरा त्रिक हमें क्या मिला 10। बात समझ में आई, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो हम ये जब दूसरा प्रश्न करेंगे तब आप समझ लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ है ना। अब मैं ये वाला प्रश्न करूँगा, तो दूसरा हमारे पास है 14, सेकेंड है 14, तो ये हमें संख्या दी हुई। सबसे पहला क्या काम करना हमें, माना ये जो 2m है, 2m ये किसके बराबर है, इस 14 के बराबर है, ये सबसे पहला काम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या था, m की घात 2 माइनस 1। तीसरा सूत्र क्या था, m की घात 2 प्लस 1। तो पहला सूत्र 2m, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, तीनों सूत्र लिख दिए। अब 2m को हमें किसके बराबर, 14 के बराबर रखना है। अब क्या करेंगे, ये जो दो गुणे में है इसको बट्टे में भेजेंगे, तो m और 14 तो अपनी जगह पर है, ये इधर आएगा तो बट्टा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में किसका पहाड़ है, 2 का पहाड़ है, 2 एकम 2 नीचे तो 1 बार और 2 सत्य 14, 7 बट्टा 1 का मतलब होता है 7, यानी m हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया,
ठीक है। अब m का मान जो है यहाँ क्या करो, m की जगह बनाओ कोष्टक ऊपर घात 2 माइनस 1, यहाँ भी m की जगह कोष्टक घात 2 प्लस 1, m कितना आया 7, तो यहाँ m की जगह कितना रखो 7, यहाँ भी m की जगह रखो 7। 7 की घात 2 का मतलब होता है, 7 की घात 2 का मतलब 7 × 7 है ना, तो 7 × 7 49 कितना आ गया 49, तो ये हो गया आपका 49 है ना, 7 का वर्ग मतलब 49, फिर माइनस 1, तो 49 में से 1 गया कितना आएगा 48, 7 की घात 2 कितना होता है 49, तो ये हो गया 49, फिर प्लस 1, 49 और 1 कितना हो गया 50, तो आपके पास तीनों त्रिक आ गए। पहला त्रिक तो क्या है 14 जो हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक, जो त्रिक त्रिक मतलब 3 है ना, कौन कौन है, एक तो है 14, एक हमने निकाला 48 और एक है 50। 7 मत लिख देना, ये तो हमने m का मान निकाला है ना, तो ये हमारा हो गया दूसरे का उत्तर। अब अगला यानी तीसरा करेंगे, तो तीसरा हमारा है 16। तो देखो 16 को कैसे करना है, तीसरा 16, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, एक तो है 2m, एक है m स्क्वायर माइनस 1 और एक हो m स्क्वायर प्लस 1, सूत्र लिख दिए तीनों। अब इस 2m को हम क्या करेंगे 16 के बराबर रखेंगे, सबसे पहला काम अपना ये, फिर ये दो गुणे में है तो इसको हम इधर, ये दोनों तो अपनी जगह पर, ये दो ये इधर आएगा तो बट्टे में 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 8 × 2 = 16, 8/1 का मतलब m मुझे कितना मिला 8 मिला, तो अब m का मान आ गया मेरे पास, तो m की जगह बनाओ डब्बा और यहाँ स्क्वायर माइनस 1, m की जगह बनाओ डब्बा ऊपर घात 2 प्लस 1, m मुझे कितना रखना, m मैंने निकाला 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, 8 की घात 2 का मतलब, 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 × 8, तो 8 × 8 8 × 8 = 64 है ना, तो यहाँ 8 का वर्ग कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा माइनस 1, तो 64 में से 1 गया बचा 63, यहाँ भी 8 आएगा, 8 की घात 2 का मतलब कितना 64, अब 64 यहाँ प्लस 1 करना है तो 64 और 1 कितना हो गया 65, तो इसका जो पाइथागोरस त्रिक आया वो कितना आया, पाइथागोरस त्रिक वो हमारे पास एक तो 16 दिया हुआ था, एक हमने निकाला 63 और एक है 65, ये हमारा उत्तर होगा। चलो अब 18 का निकालेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, अपनी कॉपी में लिखते रहना है ना। अब देखो 18 का उत्तर निकालना है हमने, फोर्थ का क्या करना, सबसे पहले सूत्र लिखना है अपने को, यहाँ पर 18 लिख दो पहले, तो सूत्र क्या है, एक तो है 2m, फिर यहाँ दूसरा सूत्र है m की घात 2 माइनस 1, तीसरा सूत्र है m की घात 2 प्लस 1, ठीक है। अब 2m को हमें क्या करना, बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 18, 18 के बराबर कर दो, अब ये दो गुणे में इधर भाग में आएगा, यानी m बराबर 18 तो अपनी जगह पर, ये आएगा इधर यानी बट्टे में 2 आएगा, दोनों 2 के पहाड़ से कट रहे हैं, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, 9/1 का मतलब कितना होता है 9 होता है, तो m मुझे मिल गया 9, यहाँ बनाओ डब्बा घात 2 माइनस 1, डब्बा घात 2 प्लस 1, तो m कितना, m की जगह हमें रखना है 9, m हमने 9 निकाला है ना, 9 की घात 2, 9 की घात 2 का मतलब होता है 9 × 9, तो 9 × 9 = 81 है ना, 81, 9 × 9 = 81, ठीक है 81 आ गया, तो ये 81 हो गया माइनस 1, 81 में से 1 गया 80 और यहाँ भी 9 आएगा, 9 की घात 2 कितना हो गया 81, 81 प्लस 1 कितना हो गया 82, तो मेरे पास क्या आ गया, पाइथागोरस त्रिक आ गया। सबसे पहली संख्या क्या है 18, दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 82, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है ना, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा, थैंक यू।